जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर आत्मघाती हमले में 44 जवान शहीद हुए, जिसमें कई जवान आज भी जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं। इस हमले में पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान और आतंकवादियों के विरुद्ध लोगों ने दिलों में भयंकर आक्रोश पैदा किया है, जहाँ पर जगह जगह पर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो वही हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। वही लखनऊ में अधिवक्ताओं ने शहीद स्मारक पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनके साथ साथ उनको भारी क्रोध भी देखने को मिला, जहां पर सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि धारा 370 हटाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के किसी खास समुदाय के लिए नहीं, बल्कि उन गद्दारों के लिए है जो कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। और सभी अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को चेतावनी दी कि धारा 370 जल्दी से हटाई जाए। वहीं ये भी कहा कि अगर सरकार अपने कारनामों में फेल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की लीपापोती भी मामले को रफा दफा करती नजर आ रही है। वही अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बार आर पार लड़ाई होनी चाहिए। वही समस्त लखनऊ महिला अधिवक्ता द्वारा सेंट्रल बार लखनऊ के नेतृत्व में रखा गया। सेंट्रल बार में वर्तमान में वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य हूँ। आज हम लोग जो पुलवामा में कांड हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन और शांत पूर्वक कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हमारे साथ महिला नेतृत्व भी है, महिला अधिवक्ता लोग हैं, और हम लोग मांग ये है कि अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर गुजर गया है, अब आक्रमण होना चाहिए, बातचीत से नहीं, अब सीधा सीधा जो है। लगातार चर्चाएं हो रही है 370 धारा को लेकर, आखिर क्या है इस 370 का? 370 धारा का आज हम लोग उसकी जबरदस्त मांग ये कर रहे हैं कि 370 धारा पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, उस पर संवैधानिक विचार होना चाहिए, और 370 धारा का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसी के कारण आज जो है हमारी सेना भी कमजोर है, और आम नागरिक की जबरदस्त मांग है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम ईंट का जवाब पत्थर देने से तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, धारा 370 काम करो, धारा 370 काम करो। कापाड़ी एडवोकेट है और हम लखनऊ के शहीद स्मारक के पास बैठे हुए हैं, और हम जो है जो पुलवामा में हमला हुआ है, उस हमले के विरोध में बैठे हुए हैं। क्या है मांग आपकी आज की डेट? हमारी मांग यही है कि हमारे संविधान से जो धारा 370 है, उसे हटाया जाए, और हमारे शहीदों का बलिदान जो भी उन्होंने दिया है, वह व्यर्थ ना जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे देश में ही छुपे हुए गद्दार हैं, उनके ऊपर से उनको उजागर किया जाए, जैसे कन्हैया कुमार है, सहला राशिद है, और जो महबूबा मुफ्ती हैं, जैसे पांच नेताओं पर से सरकारी सुरक्षा हटा ली गई, ऐसे महबूबा मुफ्ती पर से भी हटाई जाए, वो भी हमारे देश के खिलाफ। मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठी हूँ अपने शहीदों के लिए। हम सब क्या है धरने पे मांग आप लोगों की? हम लोग की मांग ये है कि जो भी पुलवामा में अटैक हुआ है, जो भी हुआ है, जो हमारे शहीद लोग मरे हुए हैं, बार बार ऐसा कुछ ना हो, हम उसके लिए ये चाहते हैं कि या तो एक ही बार हो जाए हर बार, वो भी किसी की औलाद है, नहीं चाहिए कि बार बार ऐसा छोटा मोटा। मांग क्या, मांग को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हमारी मांग ये है 370 वहाँ से हटाया जाए। हमारा 30% यहाँ से जाता है, वहाँ पे कश्मीर में, वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं है, या तो फौज हटा दी जाए या तो वहाँ से 370 हटाया जाए। यही सिविल कोर्ट में वकालत करती हूँ, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं शहीद स्मारक पर, उस संबंध में कि हमारे शहीद, हमारे सैनिकों का जो निर्मम तरीके से वध किया गया है, एक कायराना हरकत की गई है, इसके लिए हम क्या है सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सरकार से ये कहना चाहते हैं, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है, इस वजह से इस आतंकवाद की कोख को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, और विश्व के नक्शे से, विश्व पटल से पाकिस्तान का नामो निशान हट जाए। क्या कर दिया जाए जिससे कि अब लगे कि सब समाप्त हो जाए? इसके लिए तो हमला है, केवल सर्जरी है, एक एक उपाय सर्जरी है, मेजर सर्जरी, इट मीन्स वार होता है। दूसरी ओर भारत के लाल जाते हैं तो भारत का हृदय जख्मी होता है, दूसरी ओर संप्रभुता को चुनौती है, ये एक संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभुता। हम लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पे जो पुलवामा पे हमला हुआ है शहीदों पे, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, क्या विश्व कर रहा है, उसके लिए विश्व पटल से हमारी मांग है कि पाकिस्तान की जितनी सुविधाएं हैं सब बंद कर दी जाए, एक सुविधा बंद कर दी जाए, और भारत का एक एक नागरिक ये चाहता है कि पाकिस्तान ना रहे, ना रहे, ना रहे, आतंकवाद ना रहे, ना रहे, ना रहे। कि
पाकिस्तान जो आतंकवादी है हमेशा हमारे सैनिकों का खून बहा के चले जाते हैं, कभी 25 कभी 30 कभी 40, इसका प्रभाव जो है वो खत्म होना चाहिए। देश की आत्मा पर किया गया है, इसलिए देश की आत्मा की पुकार है, देश की आवाज की पुकार है कि धारा 370 खत्म करके और जो पत्थर बाज है जो बैठे हुए नौजवान कहा जाता है उन्हें तत्काल कार्यवाही करिए, देश के गद्दारों पर भी कार्यवाही करिए। कि अगर देश से हिंदू मुस्लिम की फीलिंग को हटा करके दोनों जो है धर्म एक हो करके अगर पाकिस्तान का मुकाबला करें तो कोई पाकिस्तान से जो है हम लोगों को हरा नहीं सकता है, हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है और पाकिस्तान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, लखनऊ।